नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं हम और आप भी आशा करते हैं बहुत मज़े में हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम पहुंच गए हैं एक नए जगह पर। पहचान पा रहे हैं कहाँ पर है ये? ये है क्राफ्ट म्यूज़ियम, दिल्ली का क्राफ्ट म्यूज़ियम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो देखिए, हम पहुंच गए हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली में। नए दिन की शुरुआत हो गई है और हम पहुंच गए हैं एक नई जगह। ये प्रगति मैदान के पास है, मतलब उसी की बाउंड्री के साथ सटा हुआ है। तो चल के देखते हैं अंदर क्या क्या है इस क्राफ्ट म्यूजियम में। ये एंट्रेंस है। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। मैं आगे भी आया हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पर। पत्थर के नक्काश, देखिए टेराकोटा का हैंडीक्राफ्ट है, बहुत सुंदर है। इंडिया के जितने भी आर्टिजन्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उनके अपने अपने स्पेशल जो आइडेंटिटी है वहाँ के क्राफ्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की, वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। ये टिकट काउंटर 20 रुपीस, मात्र 20 रुपए। हाँ जी बोलिए। एक टिकट दे दीजिए मैडम। हाँ जी, 20 रुपए। और वीडियो तो कर सकते हैं ना इसमें? हाँ जी। भी यूजिंग ठीक। ये है लेआउट प्लान। बहुत सुंदर है, शेखावटी राजस्थान। इस चित्र में हाथी पर सवार दो राजपुरुषों के बीच युद्ध, घोड़ों पर सवार एक योद्धा तथा राजस्थानी पोशाक पहने एक औरत को दर्शाया गया है। ऑडियो विजुअल रूम है, गैलरी, म्यूजियम गैलरी। चार्ल्स कोरिया का डिजाइन है, ये बहुत अच्छा है, जो इंडियन कोर्टयार्ड प्लानिंग होती थी वो। कैन ट्राई, मैं आपको पहले बाहर का दिखा देता हूँ। कितना सुंदर है कोर्टयार्ड प्लानिंग।
ये देखिए चैरियट, बहुत फेमस चैरियट। ये देखिए हमारे पीछे एक चैरियट है, बहुत पुराना है और इसके बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ डिज़ाइन आफ्टर अ टेम्पल विथ अ डियटीज कार्व्ड ऑन शिखर, दिस इज राम रथ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत बहुत ही प्यारा है। डिटेलिंग देखिए, डिटेलिंग ये ऑडियो विजुअल रूम है। Thank you.
ये हम चल गैलरी में आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर है ये, शायद रिफ्लेक्शन की वजह से पता नहीं चल रहा है, बट ये पूरा स्टोन पे कार्व किया हुआ है। ये उड़ीसा का मुझे जहाँ तक लग रहा है लिंगराज टेंपल है ये, कहीं तो लिखा नहीं है बट मोस्ट प्रॉब्ली वही लग रहा है। बहुत सुंदर, कहाँ से ऐसे बने दीपक, ये देखिए दीपक। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। सारे मेटल वर्क हैं। देखिए पहले के जमाने में इंडिया कितना रिच था अपने क्राफ्ट में, आजकल इतना डिजिटाइज हो जाने के वजह से वो रियल जो हुनर है वो निकल के नहीं आता है। अब छोटे छोटे देखिए ये ब्रास के जो आर्टिफैक्ट्स है, कितने ज़्यादा पीलिंग है, फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए बहुत अच्छा। उड़ीसा बहुत अच्छा, माय गॉड ये देखिए। मैं ये सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, सेकेंड थर्ड होगा शायद, लेकिन जितना बार भी आया हूँ काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पर बहुत ही अपने रिच कल्चर को जानने का मौका मिला है, बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि इंडिया इतना रिच हेरिटेज हमारे साथ है और हम वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं। आप देखिए हर किसी को हर चीज़ सिखाया जा सकता है, जो इंडियन कल्चर वैल्यूज है वो सही में प्राउड टू बी इंडियन। देखिए आर्टिसंस के हुनर को देखिए, ये लकड़ी में बनी है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। मृत महापुरुषों अथवा पूर्वजों की घुड़सवार आकृतियां, अच्छा बहुत प्यारा है, बहुत मतलब आप घंटों बिता सकते हैं इसमें, इतने अच्छे से बने हुए हैं। और आप उससे अच्छा है यहाँ पर ये प्रिजर्व करके रखे हैं, जैसे सारे इंडियंस आके देख सके। हम भी विश करते हैं इस वीडियो के थ्रू लोग और भी जाए देखें, बहुत सुंदर। ये देखिए चैरियट, ये कृष्णा जी का है, बहुत प्यारा है। रेशम पे रेशमी धागे से काशीद करी 19वीं सदी की है। ट्रेडिशन इज कंटेम्प्ररी, परंपरा समकालीन है। टेक्सटाइल पे है ये,
Just to show you the design. कलर्स देखिए, कलर्स कितने तरह के कलर्स हैं। कलर डायरी इंडिया बहुत अच्छा है। ये इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? किसके बारे में? ये पर्दा है क्या? ये पर्दा है डेनमार्क का, ये कलर यूज किया है। ओ अच्छा अच्छा। ये देखिए हवेली सिस्टम लकड़ी का है पूरा, आप देख सकते हैं। हाँ ये तो है। जरोका है। हाँ, जरोका, सॉरी ये रॉन्ग है, झरोका है ये। ये देखिए ये एक्चुअल वहीं से निकाला है क्या? अच्छा, नवाब राधनपुर के महल से प्राप्त लकड़ी का नक्काशीदार झरोका, उत्तरी गुजरात 18वीं सदी। हमारे देश कितना महान है बताइए, इतना इतना काम है, बाप रे बाप, बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि इंडिया कितना कितना रिच था। टायर यूज करते हैं ना बाल सुखाने के लिए, ये 18वीं सदी का है ये इंडिया, इसको देखो ये बाल सुखाने का है। अरे बाप रे, हेयर ड्रायर ये देखिए दोस्तों, माय गॉड, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इंडिया में ना जन्म लिया है, बहुत अच्छा है। सारी चीजें बाहर गई। हाँ, लोग उसको हाँ उसको अपनी धरोहर नहीं समझ पा रहे हैं। माय गॉड, बहुत सुंदर वुडन कार्व्ड बर्ड हाउस। देखिए दोस्तों ये टेक्सटाइल्स, गले के डिजाइन्स देखिए आप लोग, ये देखिए टर्बन्स, काठी एम्ब्रॉयडरी गुजरात। बहुत ही रिच डिजाइन्स हैं, आप देखिए
बहुत ही प्राउड मोमेंट है। देखिए किस तरह से बना हुआ है, ब्लॉक प्रिंट छापना। About the gallery. गुजरात एकत बुनाई से पहले धागों को बांधकर डाई करने की तकनीक एकत कहलाती है, और जब धागे का ताना और बाना दोनों रंगते हैं तो ये तकनीक डबल एकत कहलाती है। डबल एकत की रेशमी साड़ी पटोला गुजरात में पाटन सौराष्ट्र में बुनाई जाती है। थी बहुत ही अच्छा। ब्रोकेड, ब्रोकेड है। ब्रोकेड इज अ जेनरिक टर्म अप्लाइड टू द टेक्सटाइल दैट इज रिचली फिगर्ड एंड रेफर्स टू द टेक्निक इन विच द पैटर्न इज अचीव्ड ऑन द लूम विद द यूज ऑफ वन और मोर सप्लीमेंट्री वेफ्ट और सप्लीमेंट्री रैप। ओके, देखिए दोस्तों कितना सिंप्लीफाई है। ये फ्लोर पे पैटर्न होने के वजह से आप पूरे म्यूज़ियम को देख पाएंगे अच्छे तरीके से। जामदानी एक प्रकार की ब्रोकेड है। असम
पूरा। नागालैंड, हिमाचल, मणिपुर, तंजौर सिल्क।